ऑल ओवर इंडिया हमारे पास ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया एंड रेडी स्टॉक, खड़े पैर आप ले सकते हो हमारे पास आके। यूट्यूब पे देख रहे हो तो लोग कह रहे थे 40,000, 35,000, 50,000, भाई इतना रिटर्न नहीं है। सच बताओ 30,000 रुपए देती है कंपनी, 10 के माल को 100 में बेचती है, लेकिन सेलर 90 के माल को 100 में बेचता है, ज्यादा मार्जिन कंपनी को होता है, तो कंपनी वारंटी दे सकती है। तो गाइज अभी मैं आया हूँ आदित्य भाटी के पास में, एंड आज की वीडियो में हम लोग S19 के प्रो के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक माइनिंग मशीन होती है जिससे आप लोग बिटकॉइन वगैरह माइन कर सकते हो, बट लोगों को इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होता है, तो वो हमें आदित्य भाटी भाई बताने वाले हैं अभी डिटेल के अंदर। प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, कितना प्रॉफिट दे रही है, क्या बिजली का कंजम्पशन है, क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो भाई क्या हाल है? बढ़िया एकदम। बाकी ऑडियंस को बता दो गाइस, आज की वीडियो बिल्कुल जो एक्चुअल कैलकुलेशन है ना वही मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्चुअल रिटर्न और बहुत बढ़िया प्राइस और एक्चुअल चीजें बताऊंगा कि आवाज कितनी करते हैं, क्या रिटर्न है, क्या फ्यूचर है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो भी चीज बताऊंगा ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा, मेरी जो बात होगी बिल्कुल स्टैटिकल होगी, अगर आप चेकआउट करोगे गूगल पे कहीं और भी तो मेरी बात कहीं भी आपको 19-20 या कहीं भी गलत नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल 100% गारंटी वाली बात होगी जो कि सच है। पूछो भैया। तो भाई सबसे पहले ये बताइए कि जो मशीन्स होती है माइनिंग की, ये वाली जो स्पेशली मशीन है S19K Pro, ये 120 टेराहर्ट्ज की है। हाँ। तो ये मतलब खाली बिटकॉइन ही माइन करेगी या कोई और कॉइन भी माइन होता है? मेनली बिटकॉइन ही समझो, और भी कुछ कॉइन है जो बिटकॉइन के एल्गोरिथम पे होते हैं वो माइन कर सकते हो, लेकिन उनमें प्रॉफिट ऑलमोस्ट ना के बराबर ही है। तो ज्यादातर लोग इससे बिटकॉइन ही माइन कर सकते हैं बस। ठीक है, तो अब ये वाली जो मशीन है इसको रन कैसे करना होता है और मतलब कितना ही प्रॉफिट देती है, कितना बिजली का कंजम्पशन होता है, सारी डिटेल बता दी। मैं तीन चार चीजें जो आपने पूछी है सारी कवर कर देता हूँ। पहले बात करते हैं, चलाना बहुत इजी होता है, आपको कोई से मेहनत मजदूरी कुछ नहीं करनी है। और ऐसा भी होता है कुछ माइनर्स को चलाने के लिए जैसे अलग से 3-phase का मीटर वीटर ये सब चेंज करवाना पड़ता है, वो जरूरत तो नहीं पड़ेगी इसको करने? नहीं, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, आप नॉर्मली अपने घर में से बड़े आराम से चला सकते हो। सिंगल फेस पे माइनर है, सिंगल फेस पे बड़े आराम से चलता है। बाकी चलाने के लिए आपको यहाँ पर 2 पावर केबल लगते हो जो कि आप देख सकते हो, 2 पावर केबल लगते हैं आपको 16 एम्पीयर की, एंड ये आपको लगा सिंपली माइनर स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहां पर लगती है इसकी लैन केबल जो कि आप देख सकते हो, इस लैन केबल में आपको देना इंटरनेट एंड सिंपली आपका चल जाएगा माइनर। कॉन्फ़िगरेशन कनेक्ट तो हम करके देंगे, तो आपको सिंपली घर लेके जाके चलाना है और ये माइनिंग करना स्टार्ट कर देगा, बिटकॉइन की माइन करेगा। नाइस एस पे हम कनेक्ट करके देंगे। रिटर्न क्या बात पूछ रहे थे, तो अगर रिटर्न एक्चुअल अगर बात की जाओ ना, मतलब मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो लोग कह रहे थे 40,000, 35,000, 50,000, भाई इतना रिटर्न नहीं है। सच बताओ 30,000 रुपए देती है आज के हिसाब से, 30,000 रुपए बिल्कुल एक्चुअल बता रहा हूँ। 30,000 में भी एक चीज और बता दो, 30,000 में जो कैलकुलेशन है ना 24 घंटे × 30 दिन, और इंडिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर 300 दिन बिना कटे चलते रहे। हाँ, बिना कटे लाइट आ जाए, तो वो कैलकुलेशन भी कर लेना कितनी लाइट भागती है, क्योंकि गाँव में बिजली का बिल तो आता नहीं है बट वहाँ 18 घंटे 20 घंटे की लाइट होती है, तो वहां पर 30% 25% कम कर देना इस अर्निंग को। ठीक है। हाँ। और ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना देगी अभी? देखो एक्चुअल बताओ ना, इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, ये 2.7 किलोवाट की मशीन है, 140 टेराहर्ट्ज पे चलेगी ओवर क्लॉक करके, और ओवर क्लॉक में बढ़ती है वोल्टेज, 3 किलोवाट पहुंच जाएगी इसकी, 3 किलोवाट अगर इंटू करोगे तो 1900 यूनिट, 1500 यूनिट नहीं लेते भैया, लोग यूट्यूब पे कह रहे 1500 यूनिट, 1900 यूनिट मतलब 2000 यूनिट के आसपास ये मशीन चलती है आज के टाइम पे। और कैलकुलेशन करने से पहले मैं एक चीज बता दूं, जब आप 500 यूनिट को ग्राफ को पार करते हो ना तो रेट अलग रहता है पर यूनिट, और जब 1000 यूनिट के ग्राफ को पार करते हो तो जो पर यूनिट है वो रेट और ज्यादा हो जाता है, तो इस चीज को भी कंसिडर करना है जो लोग इसे बिजली पे चलाने वाले हैं। और हमारे पास जितने कस्टमर होते हैं ना, ज्यादातर ऐसी जगह से होते हैं जैसे गांव या फिर जहां पर बिजली फ्री है, तो उन जगहों पर जैसे कहीं 12 की लाइट हो गई तो वहां पर जो फिक्स अमाउंट जाता है बिजली को, यूनिट का हिसाब ही नहीं रहता, प्लस गांव गाँव में इतना थोड़ी चोरी वोरी बिजली मिल जाती है तो वो है। लेकिन कोई दिल्ली में है वो क्या करेगा? देखो दिल्ली में बहुत ही कम लोग लेते हैं, बट ये जो माइनर है ना, अगर आप बात करोगे नेट प्रॉफिट की, 8 रुपए हिसाब से लगाते हो तो नेट प्रॉफिट आपको 15-18 हजार रुपए बचेंगे, मतलब जो बिजली का, हाँ बिजली का कंजम्पशन हटा के 15-18। बिजनेस में कहावत है, जो पैसा आपने बचा लिया समझ लो कमा लिया, बिजली का पैसा बच जाएगा तो समझ लो वो भी कमाई हो जाएगी। बट मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि आप चोरी की बिजली पर चलो, अगर किसी के पास ऑप्शन है फ्री की बिजली है या फिर उनकी कोई है हिसाब किताब या फिर सोलर पैनल वो लोग चला सकते हैं। ठीक है, बट भाई बिजली लेता है अच्छी खासी, 2 AC जितनी बिजली होती है ये।
ठीक है। तो भैया जैसे अगर किसी को नहीं पता कि जैसे कोई फर्स्ट टाइम माइनर खरीद रहा है, उसको नहीं पता कैसे माइन करना है, क्या सेटअप बनता है, नाइस एच पे कैसे अकाउंट बनेगा या कहाँ से पैसे आएंगे, सारी डिटेल आप दोगे? बिल्कुल भैया, हम कनेक्ट भी करके देंगे, वारंटी भी देंगे। एंड वारंटी का तो सिंपल है, ये एक सीरियल नंबर है, मैं कहूँगा आपकी तरफ जूम करो, ये एक सीरियल नंबर है। अगर आप इसे बिटमैन वारंटी चेक में डालते हो ना, तो प्रॉपर डेज लिखे आ जाएंगे कितने डेज की वारंटी इसकी लेफ्ट है। अगर इसकी बात की जाए तो 330 डेज के आसपास की वारंटी रिमेनिंग है, तो एक साल की प्रॉपर वारंटी यहाँ पर देखने को मिलती है हर महीने। तो वारंटी क्लेम कहाँ से होगी? हमारे पास से। आपके पास से होगी? हाँ, हमारे पास लेके आना होगा। उसके दो प्रोसीजर है, एक तो अगर जो इसका हैशबोर्ड खराब होता है तो भाई वो चाइना ही जाता है, इंडिया में रिपेयर नहीं होता है, हो जाएगा तो दिक्कत करता है। लेकिन उस केस में मैं अपनी तरफ से आपको हैशबोर्ड दूंगा, आप मेरा हैशबोर्ड यूज करिए, जब तक आपके चाइनीज होके नहीं आ जाता आपकी कमाई नहीं रुकेगी, सर्विस में भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। मतलब जब तक माइनिंग नहीं रुकेगी, जब तक आपका रिपेयर होगा आपको दूसरा मिल जाएगा। हाँ, एक्चुअली फिर इजी हो जाएगा ना, वरना अदरवाइज कस्टमर की जब मशीन नहीं चलते बार बार फोन करता है, तो अब हमने हैशबोर्ड डाल के दे दिया, आपकी कमाई नहीं रुकेगी, हम अपने आराम से रिप्लेसमेंट करवा लेंगे चाइना से। और भाई देखो, मशीन चाइना में नहीं जाएगी, जो कंपोनेंट खराब होता है सिर्फ वो जाता वो आ जाएगा। हाँ, वो जाएगा, ये पूरी मशीन नहीं जाएगी, जो हैश बोर्ड है सिर्फ वो जाएगा, या फिर पावर सप्लाई दिक्कत करे तो वो जाएगा बस। और हमेशा वारंटी कंपनी की ही होती है, सेलर की कभी वारंटी नहीं होती है। सेलर अगर कोई चला गया तो वारंटी तो चली गई आपकी, फिर तो कंपनी कभी नहीं जाती, कंपनी रहती है, कंपनी की वारंटी। सेलर बाद में आया, कंपनी पहले आई है। और याद रखना, कंपनी 10 के माल को 100 में बेचती है, लेकिन सेलर 90 के माल को 100 में बेचता है, ज्यादा मार्जिन कंपनी को होता है। तो कंपनी वारंटी दे सकती है, वो अपने ऊपर बियर कर लेगी, सेलर नहीं बियर करेगा। ठीक है। तो भाई जैसे अगर कोई यहाँ पे मतलब जैसे किसी का कोई भी कंपोनेंट खराब होता है, उस वो डायग्नोस भी नहीं कर पा रहा है कि क्या खराब हुआ है, और वो दिल्ली में भी नहीं रहता, तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन बिटमैन कोई भी किसी भी माइनर के पार्ट मार्केट में अवेलेबल कराती ही नहीं है। तो भाई मुझे समझ में नहीं आता, भाई जब बिटमैन जब पार्ट ही दे रहे, आप रिपेयर कैसे कर लोगे, बोले पार्ट कैसे लगाओगे? एक कारण ये हो सकता है कि आप किसी खराब माइनर में से सामान निकाल के लगाओ, बट वो भी दिक्कत करता है चलने में। दूसरी ये चीज आप कर सकते हो, लेकिन जब वारंटी ना हो, अगर चीज वारंटी जब निकल चुकी हो तब करो ये सब चीजें। वारंटी में है तो भाई देखो, बिटमैन खड़ा है, करवाओ, क्या दिक्कत है? और के जब मतलब है ऑफिशियल वारंटी है तो फिर उसको यूज करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि शिपिंग वगैरह हो जाएगी ना, सब कुछ ऑल ओवर इंडिया, हमारे पास ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है ऑल ओवर इंडिया, एंड रेडी स्टॉक, खड़े पैर आप ले सकते हो हमारे पास आके। ठीक है, मतलब कितने ही पीस आपके पास मतलब मिल जाएंगे? अगर किसी को 2-3 पीस भी चाहिए तो मिल जाएंगे? 10 ले जाओ खड़े पैर, 10 भी मिल जाएंगे, 10 भी मिल जाएंगे मेरे पास। ठीक है भैया। तो वैसे हमने सारी बातें कर ली, प्राइसिंग रह रही है और लोग देख भी उसी के लिए रहे, तो प्राइसिंग क्या है, कुछ खतरनाक रखने वाले हो या ऐसे ही है बस? भाई देखो, मैं जो रेट देने वाला हूँ ना, वो मार्केट से तो कम ही रहेगा, एंड एक अच्छा रेट रहेगा, शायद हो सकता है मुझसे भी कोई 2-3 हजार पे सस्ता बेच दे, बट मेरी तरफ से सर्विस बहुत अच्छी रहेगी, मतलब सर्विस जेन्युइन मिलने वाली है। बिल्कुल, जो है भैया मैं साफ कह के बेचता हूँ, सीधा कह के बेचता हूँ, जो है एक्चुअल है। बाद में आप ये नहीं कहोगे भैया आपने ये कहा था, अब ये नहीं कर रहे आप, ये है। एंड क्या है इसकी प्राइसिंग? बिल्कुल, S90K Pro 120 Terrace की प्राइस है यहाँ पर। अगर इसकी बात करी जाए, इस मशीन का प्राइस होने वाला है 215,000 रुपए, और ये 215,000, बिल्कुल रेडी स्टॉक का ये रेट है। अगर ऑन ऑर्डर मंगवाओगे थोड़ा कम भी पड़ जाएगा। ठीक है, मतलब रेडी स्टॉक में अगर किसी को चाहिए तो मतलब खड़े खड़े यहीं पे मिल जाएगा, और अगर किसी को कूरियर करवाना है कूरियर हो जाएगा, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, इवन क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। ईएमआई का ऑप्शन आपने बताया था, ईएमआई कैसे होगी? ईएमआई के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आप अपने बैंक से पे कर सकते हो एंड आपको मशीन मिल जाएगी, बाकी जो भी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो आपके क्रेडिट कार्ड पे बनेगा, आप अपने बैंक को पे करोगे। हाँ, मतलब वो तो बैंक हो गया पूरा। हाँ, बैंक से वो ईएमआई कटती रहेगी पर मंथ। ईएमआई और फाइनेंस में अलग होता है, फाइनेंस वो अलग चीज है, फाइनेंस नहीं होगा, ईएमआई होगा, ईएमआई हो जाएगी। हाँ, ईएमआई हो जाएगी। ठीक, आदित्य भाई ये और बताइए कि जैसे इस मशीन को अगर चलाना है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, मतलब क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैंने देखा है लोग, इतनी महंगी मशीन है, कोई ऐसे ही चला ले तो फायदा भी नहीं, खराब हो जाए जल्दी। तो गाइस, सब्सक्राइबर ऑडियंस, एक चीज याद रखो, इस मशीन को चलाने के लिए स्टेबलाइजर मैंडेटरी है, चाहिए ही चाहिए, बिना स्टेबलाइजर के ये चल ही नहीं सकती अच्छे से, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा, फालतू मशीन खराब हो जाएगी। होती है भैया, होती है, लोग कहते हैं भाई मैं तो सही चल रही है, 15-20 दिन बाद फूक गई, पड़ी है मेरे पास कई सारी मशीन ऐसी आती उल्टी, तो ये है, तो स्टेबलाइजर चाहिए चाहिए। दूसरा, इंटरनेट का कोई वो नहीं है, क्या बहुत ज्यादा इंटरनेट पीता है, बहुत ही मामूली इंटरनेट लेता है, और कुछ लोग कहते हैं भैया लाइट चली गई बंद हो जाएगा, लाइट आएगी तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना, सेटिंग सिर्फ एक बार होती है इसकी, जो आपके वॉल्यूम से कनेक्ट होगा,
तो उसके बाद कभी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सिंपली लगाओ चलो। एंड पैसा विड्रॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप जिस प्लेटफॉर्म पे अपना आपका अकाउंट हो, बाइनेंस वगैरह कॉइन स्विच, उस पर आप ट्रांसफर करके वहां से विड्रॉल ले सकते हो। याद रहे नाइसेस 2% फीस लेता है अपने वहां पर ट्रांसफर करने के, तो ये लोग ये भी चीज आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कोई और चीज पूछनी हो तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट करिए मुझसे, जो पूछना है पूछिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी लोकेशन एड्रेस सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अगर आपको माइनर मशीन्स लेनी है या फिर आपको पीसी बिल्ड लेना, ग्राफिक कार्ड लेना, कुछ भी लेना है, आप लोग इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, ना तो मैं कोई पुराने को नया करके बेचूंगा, ना मैं कोई फ्रॉड करूंगा, ना कोई सपोर्ट में कोई दिक्कत आएगी। कभी भी आप कॉल कर लेना, हमेशा कॉल पिक होगा। दो पैसे महंगे बेच लूंगा लेकिन सर्विस में कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है, मतलब सर्विस यहाँ पे आपको अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, तो भैया अगर आप लोग कुछ भी परचेज करना है यहाँ पे आप लोग इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी एंड स्क्रीन के भी ऊपर आपको नंबर मिल जाएगा। तो थैंक यू भैया वीडियो बनवाने के लिए। थैंक यू भैया।